नमस्कार विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय क्षेत्र में एफ टर्म के लिए ऑर्गल डायग्राम बनाना। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में डी टर्म के लिए ऑर्गल डायग्राम बनाना बताया था, और आज हम टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में एफ टर्म के लिए ऑर्गल डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और बराबर लिखते रहिए, नोट करते रहिए, ताकि आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं जिनके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म में एफ टर्म आती है। तो देखो, ऐसे चार डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं जिनके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म में एफ टर्म आती है। वो चार डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं, देखो, डी टू, डी थ्री, डी एट और डी सेवन। ये चार डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं जिनके लिए जब हम ग्राउंड स्टेट टर्म लिखेंगे तो ग्राउंड स्टेट टर्म के अंदर एफ टर्म आएगी। तो देखो, डी टू और डी एट के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म आती है 3F, और डी थ्री और डी सेवन के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म आती है 4F। ये आपको याद रखना है, नहीं तो आप चाहो तो फॉर्मूले के अनुसार ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल भी सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले के वीडियो में अच्छी तरह से बता रखा है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म किस प्रकार से निकाली जाती है, और आप चाहो तो सीधा याद भी रख सकते हो। ठीक, तो D2 और D8 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आती है 3F, और D3 और D7 के लिए 4F। अब देखो, आपको यहां एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि कब टर्म की स्प्लिटिंग होल ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होगी और कब पद की स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होगी। तो देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर डी टू और डी सेवन के पदों की स्प्लिटिंग होती है, और होल ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होल ट्रांजिशन कंसेप्ट, होल ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर डी थ्री और डी एट के पदों की स्प्लिटिंग होती है। अब एक बात यह ध्यान रखना अच्छी तरह से कि कब होल ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर पद की स्प्लिटिंग होती है। तो देखो, जब डी ऑफकोर्स में हाफ फील्ड या फुल फील्ड से एक या दो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तब पद की स्प्लिटिंग है वो होल ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होती है। दोबारा सुनो, मैंने क्या बताया, जब डी ऑफकोर्स में हाफ फील्ड या फुल फील्ड से एक या दो इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तब उस कंडीशन में पद की स्प्लिटिंग होल ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होती है। तो देखो, तो डी ऑफकोर्स है, डी ऑफकोर्स जब हाफ फील्ड होता है तब इसके अंदर पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पांच से या तो एक इलेक्ट्रॉन कम है या दो इलेक्ट्रॉन कम है, अर्थात या तो डी थ्री है या डी फोर है। तो डी थ्री और डी फोर की कंडीशन में पद की स्प्लिटिंग होल ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होती है। इसी प्रकार से जब डी ऑफकोर्स फुल फील्ड होता है तब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन से या तो एक कम कर दो या दो कम कर दो, अर्थात डी एट और डी नाइन के लिए पद की स्प्लिटिंग है वो भी होल ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होती है। अब देखो, इन दोनों का जो ऑर्गन डायग्राम है एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक, तो आप एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जब D3, D4,
D8 और D9 होगा तब पद की स्प्लिटिंग होल ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होगी। ठीक, अब हम एक बात यहां और देख नोट करते हैं, एक बात और देखते हैं कि क्रिस्टल क्षेत्र के अंदर F कक्षकों की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। तो हम जानते हैं कि F कक्षक संख्या में 7 होते हैं, कितने होते हैं 7, तो F कक्षक हैं वो संख्या में 7 होते हैं। ये F ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक। जब क्रिस्टल क्षेत्र में F कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है तो ये F कक्षक भिन्न ऊर्जा स्तर वाले 3 समुच्चयों में स्प्लिट हो जाते हैं। किस तरह से देखो, तो यहां हम देख रहे हैं ऑक्टाहेड्रल फिल्म में, किसमें देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल फिल्म के अंदर, ऑक्टाहेड्रल फिल्म में, यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर F ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है ये हम यहां देखना चाहते हैं। देखो, तो इस तरह से भिन्न ऊर्जा स्तर वाले 3 समुच्चयों में स्प्लिट हो जाते हैं। यहां देखो 3 कक्षक होते हैं, कितने कक्षक होते हैं 3, जिनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है T1G। यहां भी 3 कक्षक होते हैं जिनको सम्मिलित रूप से कहा जाता है T2G, और यहां होता है 1 कक्षक जिसको कहते हैं K2G। तो इस तरह से जो 7 डी कक्षक है वो ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये देखो जो आपका गैप होता है, ये गैप होता है -6 D³, और ये जो गैप होता है ये +2 DQ, और ये जो गैप होता है आआपका ये होता है +10 DQ। तो इस तरह से F कक्षकों की ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर स्प्लिटिंग होती है। जब हम टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर F कक्षकों की स्प्लिटिंग देखेंगे तो इसकी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, इसकी विपरीत हो जाएगी, यानी उस कंडीशन में T1 जो ऑर्बिटल्स हैं वो हाई एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, जबकि T2 और A2 जो ऑर्बिटल है वो लो एनर्जी लेवल पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड एंड टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर F कक्षकों की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। ठीक, तो यहां मैंने आपको ये 3 बातें बताई हैं कि एक तो कौन से डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं जिनके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म में F टर्म आती है, तो ये 4 डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद दूसरी बात मैंने आपको यह बताया है कि कौन से डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में पद की स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होगी, और कौन से डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पद की स्प्लिटिंग होल ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होगी, ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। ठीक, और तीसरी बात मैंने आपको ये बताई है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर F कक्षकों की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है। तो ये आपको 3 बात अच्छी तरह से याद रखनी, जब आपको ये तीनों बातें याद होगी तो आप चतुष्फल के वस्फल के क्षेत्र में F टर्म के लिए ऑर्बिटल डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। लेकिन आपको ये तीनों बातें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, या तीनों बातें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। अब हम देखो ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं।
तो सबसे पहले हम मनाते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में D2 एवं D8 के लिए ऑर्गल डायग्राम बनाना, ठीक। यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में D2 और D8 के लिए ऑर्गल डायग्राम बनाना। तो ध्यान से देखिए किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो आप एक इस तरह से वर्टिकल लाइन बनाएंगे, उसके बाद में आप एक इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे, यहां 0 लिख देंगे, यहां क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता, क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता, ठीक, इधर जाने पर इंक्रीज हो रही है, यहां भी क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता जो इधर जाने पर इंक्रीज हो रही है। अब देखो हमें इनके लिए ऑर्गन डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि D2 और D8 के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है वो क्या होती है। वो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है देखो 3F, ठीक। दोनों की ग्राउंड स्टेट टर्म सेम होती है लेकिन दोनों के ऑर्गन डायग्राम एक दूसरे के अपोजिट आएगा, ठीक है, क्योंकि एक में पद की स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट करार करोगी और दूसरे में पद की स्प्लिटिंग होल ट्रांजिशन कंसेप्ट करार करोगी। तो इनके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म दोनों की सेम होती है, क्या होती है 3F। अब देखो एक बात और ध्यान रखना कि ऑर्बिट डायग्राम में उन ऊर्जा पदों को भी सम्मिलित किया जाता है जिनकी स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान ग्राउंड स्टेट टर्म के समान होता है। तो यहां देखो एक ऊर्जा पद और होता है जिनकी स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान 3 होता है और वो होता है 3P, ठीक 3P होता है। अब देखो हमें इसके लिए क्या बनाना है, ऑर्गन डायग्राम बनाना है। तो इधर हम बनाते हैं D2 के लिए, D2 तो D2 में जो पद की स्प्लिटिंग है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होगी और इधर हम बना लेते हैं D8। D8 में जो पद की स्प्लिटिंग है वो होल ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होगी, ठीक। अब देखो क्या करते हैं हम, यहां बनाते हैं बेरी सेंटर, क्या बना लेते हैं बेरी सेंटर, और इधर भी आप बना दो बेरी सेंटर इस तरह से, ठीक। अब देखिए इधर हम D2 के लिए बनाना चाहे तो D2 के लिए 3F पद की स्प्लिटिंग ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर F कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो देखो यहां क्या होगा, 3F पद की जो स्प्लिटिंग होगी तो यहां भिन्न ऊर्जा स्तर वाले 3 समूचों में इसकी स्प्लिटिंग होती है, इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाती है। तो यहां आता है आपका T1G, यहां आपका आता है T2G और यहां आपका आता है A2G, ठीक। अब इनकी स्पिन मल्टीप्लाइसिटी का मान लिख दीजिए, यहां 3, यहां भी 3 और यहां भी 3, ठीक। अब देखो ये तो हो गया D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए, तो जब हम D8 के लिए बढ़ाएंगे तो ठीक इसका अपोजिट बनेगा इधर, ठीक, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट है और ये होल ट्रांजिशन कंसेप्ट है, इन दोनों का जो ऑर्बिटल डायग्राम आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट आएगा, ठीक। तो अब देखो इधर कैसे हो जाएगा, इधर इस तरह से हो जाएगा,
वो इस तरह से हो जाता है। ठीक, तो यहां क्या आ जाएगा, देखो यहां आपका आ जाएगा 82g, ये आपका आ जाएगा 82g और ये आपका आ जाएगा 81g। ठीक, तो ध्यान रखना T1G के सामने T1G, A2G के सामने A2G और T2G के सामने T2G, ये बात ध्यान रखना विशेष रूप से। अब देखो यहां इनकी स्पीड मल्टीप्लाई लिख दीजिए 3, यहां भी 3 और यहां भी 3। अब देखो यह 3P पद की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होगी, तो यहां एक बात ध्यान रखना S पद और P पद, S टर्म तथा P टर्म की क्रिस्टल क्षेत्र में स्प्लिटिंग नहीं होती है, अच्छी तरह से ध्यान रखना, किसकी, S पद और P पद की क्रिस्टल क्षेत्र में स्प्लिटिंग नहीं होती है। तो अब देखो जो 3P है, 3P टर्म के लिए जो मूलिकन सिंबल होता है वो होता है T1G, तो देखो T1G है और इसकी स्प्लिटिंग नहीं होगी, तो इधर देखो किस तरह से बनेगा, इस तरह से देखो, ये हो जाएगा आपका T1G, या इसकी मल्टीप्लाईसिटी का मान 3, लेकिन ये जो T1G है ये किसका है, ये P का है, क्योंकि एक और T1G है वो आपका किसका है, वो F टर्म का है। ठीक, ये ध्यान रखना। अब देखो इधर क्या होगा, देखो इधर इसका T1G और इसका T1G एक दूसरे से क्या होगा, थोड़ा प्रतिकर्षित होगा, तो यहां ये काटेंगे नहीं, यहां थोड़ा सा इस तरह से आ जाएगा, ध्यान रखना इस तरह से ऐसे आ जाएगा, क्योंकि यहां इन दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो यहां आपका आ जाएगा T1G और इसकी स्पिन मल्टीप्लाई 3, और ये किसके लिए है, ये P के लिए है और ये आपका F के लिए, ध्यान रखना, क्योंकि यहां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो ये एक दूसरे काटेंगे जैसा इधर काट रहे हैं, ध्यान रखना विशेष रूप से। तो इस तरह से D8 और D2 के लिए अष्टफल के क्षेत्र में ऑर्गल डायग्राम बनाया जाता है। ठीक, अब देखिए यदि आपको D7 का बनाना है, D7 का बनाना है या D3 का बनाना है, तो इनके ऑक्टाहेड्रल फिगर में ऑर्गल डायग्राम किस प्रकार से बनेंगे, यदि आपको D7 का बनाना है तो D7 का ऑक्टाहेड्रल फिगर में जो ऑर्गल डायग्राम बनाने का वो बनेगा D2 के अनुसार, किसके अनुसार, D2 के अनुसार, क्योंकि यहां भी पद की स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होती है, बस सिर्फ अंतर यह होगा कि इसकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म है वो है 3F, लेकिन यहां इसकी जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी वो होगी 4F, तो बस इतना ही डिफरेंस होगा कि जब आप D7 के लिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ऑर्गल डायग्राम बनाओगे तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 4F और यहां आ जाएगा 4P, बाकी ये स्प्लिटिंग सेम होगी। ठीक, ये स्प्लिटिंग सेम होगी, तो D2 की भांति D7 का बनेगा, ध्यान रखना, सिर्फ यहां 4P और यहां 4F हो जाएगा D7 के लिए। ठीक, उसी प्रकार से यदि आप D3 के लिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ऑर्गल डायग्राम बनाना चाहते हो तो ये D8 की बात बने, क्योंकि यहां भी पद की स्प्लिटिंग होल्ड ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होगी, यहां ग्राउंड स्टेट टर्म आएगी आपकी 4F। ठीक है, तो जब आप D3 के लिए ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ऑर्गल डायग्राम बनाओगे तो बस अंतर इतना होगा कि यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 4F और यहां आ जाएगा 4P और बाकी ये जो स्प्लिटिंग है ये स्प्लिटिंग सेम होगी। ठीक, तो इस तरह से D3 और D7 के लिए भी हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ऑर्गल डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। अब हम लेते हैं टेट्राहेड्रल फील्ड में इनके लिए ऑर्गल डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है वो देखिए। टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर ऑर्गल डायग्राम बनाना, टेट्राहेड्रल फील्ड में D2 और D8 के लिए ऑर्गल डायग्राम बनाना, तो आप सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे इस तरह से। ठीक, इसके बाद में एक आप इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे,
ठीक। और यहां आप लिखेंगे जीरो क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता, क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता इधर जाने पर बढ़ रही है, इधर भी क्रिस्टल क्षेत्र की प्रबलता जो इधर जाने पर बढ़ रही है, ठीक। अब देखो आपको इनके लिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, तो इधर हम बना देते हैं डे टू के लिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर बनेगा, इधर हम बना देते हैं डी एट के लिए जो होल ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर बनेगा, होल ट्रांजिशन कंसेप्ट, ठीक। तो अब किस तरह से बनते हैं देखो, तो सबसे पहले हम देते हैं इनके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म लिखते हैं, किसके लिए डी टू और डी एट दोनों के लिए सेम आती है, तो यहां हम लिख देते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म। तो इनके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है, 3F, और यहां हम 3P को भी सम्मिलित करते हैं, ध्यान रखना 3P जैसा हमने पहले बनाया था। अब देखो हमें क्या करना है, यहां पहले आप बेरी सेंटर बना लीजिए और इधर भी आप इस तरह से बेरी सेंटर बना लीजिए, ठीक, इस तरह से बेरी सेंटर। अब देखो इसकी स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है, तो जिस प्रकार से देखो टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर एफ कक्षकों की स्प्लिटिंग होती है, ठीक उसी प्रकार से यहां डी टू इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए 3F पद की स्प्लिटिंग होगी। तो किस तरह से देखो, इस तरह से होगी, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 8-2, ये हो जाएगा आपका T2 और ये हो जाएगा आपका T1, यहां G का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ध्यान रखना। अब देखो यहां क्या लिखना है, इसकी स्पिन मल्टीप्लाई शीट को देखो, 3 यहां भी 3 और यहां भी 3, ठीक। तो अब इसके बाद आप देखिए जो 3P है, 3P के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है, सॉरी जो 3P है ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म के समान इसकी स्पिन मल्टीप्लाई शीट है, जो P टर्म की स्प्लिटिंग नहीं होती है, ठीक। तो इसकी स्प्लिटिंग नहीं होती है, तो इसके लिए सिर्फ मोलिकल सिंबल का प्रयोग करें। अब देखो इस साइड आप देखिए, इस साइड के अंदर क्योंकि ये तो D2 के लिए और जब आप D8 के लिए बनाएंगे तो ठीक इसका अपोजिट बनेगा, ठीक। तो इसका अपोजिट कैसे बन जाएगा, तो इसका अपोजिट इस तरह से बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो अब यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा आपका T1 और ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 और ये आपका आ जाएगा T2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 3 और यहां आपका आ जाएगा 8-2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 3 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से बन गया, यानी ध्यान रखना A2 के सामने A2, T2 के सामने T2 और T1 के सामने T1। तो इस तरह से देखो ये बन जाता है। अब देखो P जो पद है इसकी स्प्लिटिंग नहीं होती है, लेकिन P के लिए जो आपका मूलिकन सिंबल होता है वो होता है T1G। तो देखो इधर आप बनाओगे T1G, तो इधर T1G देखो इससे रिपल्सन होगा, तो इसका जो आपका T1G आएगा इस तरह से आ जाएगा कुछ, देखो इस तरह से ये आ जाएगा T1G,
सॉरी टी वन, जी नहीं लगाना है, टी वन लिखना है क्योंकि टेट्राहेड्रल है टी वन, ठीक है टी वन। और इस पे मल्टीप्लिसिटी तीन लिखेंगे यहां, और ये किसके लिए है, पी के लिए, और ये आपका किसके लिए है, एफ के लिए है, ठीक। अब देखो इधर इसका बनाएंगे तो इधर इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका टी वन, और यह इसकी मतलब तीन, और ये किसके लिए टी वन है, ये आपका टी वन है पी के लिए, और ये जो आपका टी वन है ये आपका एफ के लिए है, ध्यान रखना। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल फील्ड के अंदर डी टू और डी एट के लिए ऑर्गन डायग्राम बन जाता है। अब देखो डी टू की भांति और किसका आएगा, डी टू की भांति और आएगा डी सेवन का, ठीक, और डी एट की भांति किसका आएगा, डी थ्री का आएगा। बस अंतर यह होगा कि यहां ग्राउंड स्टेटम क्या आएगी, यहां आपकी ग्राउंड स्टेटम आएगी 4F, क्या आएगी 4F। तो जब आप देखो D7 के लिए टेट्राहेड्रल फील्ड में ऑर्गन डायग्राम बनाओगे तो बस D2 की भांति स्प्लिटिंग होगी इस तरह से। अंतर क्या होगा कि यहां 3F की जगह 4F आ जाएगा, 3P की जगह 4P आ जाएगा, बाकी स्प्लिटिंग सेम इसी तरह से होगा, क्योंकि इसमें भी पद की स्प्लिटिंग है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर होती है। किस आधार पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कंसेप्ट के आधार पर। और जब आप D3 के लिए बनाना चाहोगे तो D3 के लिए बनाना चाहोगे तो D8 की भांति स्प्लिटिंग होगी, लेकिन यहां ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आ जाएगी, 4F आ जाएगी, ठीक। तो यहां 4F आ जाएगा, यहां 4P आ जाएगा, बाकी जो स्प्लिटिंग हो ठीक इसी तरह से होगी। तो इस प्रकार से हम D3 और D7 के लिए भी टेट्राहेड्रल फील्ड में ऑर्गन डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर F टर्म के लिए ऑर्गन डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है ये सीखा, आपको समझ में आया होगा। आप अच्छी तरह से दोबारा इसको समझिए, पढ़िए, लिखिए। अब आप असाइनमेंट के रूप में एक क्वेश्चन नोट कीजिए, आप क्वेश्चन लिखिए D7 एवं D3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए टेट्राहेड्रल फील्ड में ऑर्गन डायग्राम बनाइए। धन्यवाद, थैंक यू।